Hey guys, this is Manjeet and welcome back to my another video. So guys, आज जिन पपीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उन्हें आप लोग लासा एप्सो भी कह सकते हैं और सिट्सू भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मंजीत कैसी बातें कर रहा है, एक ब्रीड के दो नाम कैसे हो सकते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पपीज हैं, ये लासा इंटू सिट्सू हैं। और अगर आप लोग इतना सुनते ही वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो भाई आप लोग काफी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पपीज जो हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी में है और उन्होंने इनका प्राइस काफी रीजनेबल रखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में आप लोगों को एक और डॉग देखने को मिलेगा जो है जर्मन शेफर्ड। वैसे गाइस ओनर की मुझे ये चीज काफी पसंद आई कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि पपीज लासा इंटू सिट्सू हैं। अगर वो चाहते तो इन पपीज को सिट्सू कहकर भी सेल कर सकते थे। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि पपीज प्योर सिट्सू ही होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि कुछ पपीज मदर के ऊपर जाते हैं और कुछ फादर के ऊपर। तो जो पपीज मदर के ऊपर गए हैं, आई मीन जो लासा एप्सो हैं, वो आप लोगों को क्लियरली दिख ही रहे हैं, उनका कलर काफी अलग है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को प्राइस अच्छा लगे तो भाई आप लोग इन पपीज को परचेज कर सकते हैं, आप लोगों को इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये एक फैमिली डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग गार्डन के पर्पज से नहीं रख सकते, बिकॉज इनका जो नेचर है वो काफी फन लविंग होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लैब्राडोर परचेज करने हैं और आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो भाई फटाफट इस वीडियो को जरूर देखें। पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और उन्होंने इनका प्राइस काफी रीजनेबल रखा है। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पपीज को तो आप लोग देख ही चुके हैं, अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये इन पपीज की मदर है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और ये हैं इन पपीज के फादर। तो दोनों की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये जो पपीज हैं ये 45 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। एंड डिलीवरी की बात करें तो उन्होंने स्पेशली ये बोला है कि भाई आप लोग डायरेक्ट घर आएं, पपीज की क्वालिटी वगैरह चेक करके ही आप लोग इन्हें परचेज करें। और उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 18,000 पीस 18,000 रुपए, एंड फीमेल की है 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। लेकिन इस प्राइस में भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग डॉग ओनर से बारगेनिंग जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड डॉग जो है जर्मन शेफर्ड, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन फर्स्टली बात करेंगे हमारी कल की वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है सुनील सोलंकी, सेकंड है हैरी सिजवाली फिटनेस लवर, एंड थर्ड है अमन जाट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग इस डॉग की क्वालिटी देखें, जो कि अल्टीमेट है और ब्लैक एंड रेड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और गाइस, मुझे इस डॉग में जो सबसे मस्त चीज लगी वो है इसका फेस, जो कि प्योर ब्लैक है। लेकिन गाइस, ये डॉग सेल के लिए नहीं बल्कि स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है, और आप लोग एक छोटे से अमाउंट में अपनी फीमेल की मैटिंग इसके साथ करा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी फीमेल की मैटिंग इसके साथ कराने के लिए, तो उन्हें जो इसके स्टड सर्विस के प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 5,000 पीस यानी सिर्फ 5,000 रुपए। और अगर आप लोग 10 किलोमीटर तक बिलोंग करते हैं तो आप लोग एक पपी के ऊपर भी मैटिंग करवा सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑफर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप लोग हमारी इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस काफी अमेजिंग है। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।